नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनल कुमार। बॉलीवुड वर्सेस साउथ की लड़ाई जोरों पे है और खूब सुर्खियां बटोर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ है अपना भोजपुरी इंडस्ट्री। भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का विवाद जोरों पे है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके फैंस दो गुटों में बटे हुए हैं। नीतीश कुमार से खेसारी लाल यादव ने मदद मांगी है, फेसबुक पर पोस्ट लिखकर मदद की मांग की गई है। खेसारी लाल यादव तब तुमने बुलाया था सामियाना के चोप और कहा काम हो वाली बात है, जो जिस गाने ने उन्हें बहुत मुकाम तक पहुंचाया, लेकिन हम इसे अपने घर में नहीं सुन सकते। हफ्ते जी के साथ ही देखने को मिलेगी या अदर स्टार के साथ, जैसे पवन जी के साथ भी कभी देखने को मिलेगी? कौन है पवन जी? पवन जी कह रही है नहीं जानती पवन सिंह को, तो छोड़ दीजिए। अरे पवन सिंह को उसको माई भी जानती, उसका बाप भी जानता होगा। शायद इसी वजह से इनके स्टार चर्चा में हमेशा बने रहते हैं। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव फिर से एक बार एक गाने को लेकर के खूब इंटरनेट पे सुर्खियां बटोर रहे हैं। आपको बता दें कि ये गाना कूलर कुर्ती में लगा ल इस समय इंटरनेट पे खूब धमाल मचा रहा है। इस समय खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की लड़ाई का फायदा खेसारी लाल यादव खूब उठा रहे हैं। दरअसल विवाद में रहने के बाद खेसारी लाल यादव अपने प्रोफेशनल लाइफ को दरकिनार नहीं किया और तमाम झगड़ों के बावजूद वह अपने प्रोफेशनल लाइफ में जी लगाकर मेहनत करते नजर आ रहे हैं। पवन सिंह के साथ कंट्रोवर्सी में आने के बाद से ही खेसारी लाल यादव का गाना कूलर कुर्ती में इंटरनेट पर धूम मचाते नजर आ रहा है। इस गाने पर यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा व्यू मिल रहे हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह से बवाल के बाद इस गाने को अब तक यूट्यूब पे 29 करोड़ व्यू मिले हैं। यूट्यूब पर बवाल मचा रहा यह गाना 3 साल पहले ही रिलीज हुआ था, तब भी इसकी इतनी ही चर्चा हुई थी। 2018 में रिलीज हुए इस गाने को पवन और खेसारी के विवाद ने फिर से एक बार सुर्खियों में ला दिया है। फिल्म दीवानापन के इस गाने को खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह ने आवाज़ दिया है। इसके लिरिक्स श्याम देहाती ने लिखे थे। एक बार फिर लाइमलाइट में आने वाले गाने को म्यूजिक रंजीश मिश्रा ने दिया है। खैर, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की लड़ाई का तो पूरे भोजपुरी जगत में चर्चा है। आगे देखना यह होगा कि क्या कुछ इन दोनों के प्रोफेशनल लाइफ पे इसका असर पड़ता है या बस चर्चा का विषय बन के रह जाता है। जो भी होगा, सिटी न्यूज बिहार आपको हर खबर से रखेगा अपडेट। देखते रहिए सिटी न्यूज बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।